नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर आईडिया ब्लॉग्स। ऐसे तो कई सारे समस्याएं हैं पंचायतों में, और आज आप लोग देखेंगे कि गांव में किस तरीके से लोग जो है बिजली और पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। जी हां, आज भी ऐसे कई गांव है जहां पे मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है। और आज जहां पे है, यह दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर बांसी नामक प्लेस है, जहाँ पे जो है यहीं पे ये रोड देख रहे हैं आप लोग जाता है बचेली, जहाँ पे नवरत्न कंपनी NMDC स्थापित है, जहाँ पे NMDC की कार्य चलती है, वहीं से यहाँ मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो सड़क देख रहे हैं मेरे इधर, ये दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय को कनेक्ट करता है। आज भी इतना दूर आने के बाद भी, इतना सुविधा होने के बाद भी, आज भी ग्रामीण कहीं पे बिजली नहीं है, कहीं पे पानी नहीं है। आज जो आप लोग को दिखाऊंगा, ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे देख रहे हैं अधिकतर जो लोगों को मतलब गुमराह किया जाता है नक्सलाइट के नाम पे। नक्सलाइट के नाम के पीछे कई सारे ऐसे धंधे हो रहे हैं जहाँ पे वहाँ पहुँचना मुश्किल है, लोग पहुँच नहीं पा रहे। ऐसा कुछ नहीं है जो देख रहे हैं, मुझे ये देख रहे हैं, ये हाईवे रोड है जहाँ पे देख सकते हैं इधर पीछे बड़ी सी ट्रक लगी हुई है, NMDC से आ रही है माल लोड करके। ऐसे कई ट्रक आते हैं और आयरन ओर होती है और जापान ट्रांसफर होता है, यहाँ पे कभी भी पहुंचा जा सकता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे ग्रामीण जो है पानी के लिए कैसे जूझ रहे हैं, किस तरीके का पानी पी रहे हैं। हालांकि ये जो रोड है बहुत सारा बिजी रोड है, यहाँ पे अधिकतर ट्रक चलती है। तो चलिए अभी हम पोरो कमेली नामक प्लेस में है, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो है ग्रामीण पानी पीने के लिए मजबूर है। हालांकि ग्रामीणों ने दावा किया है कि कईयों बार उन्होंने अधिकारियों को शिकायत की है कि पानी की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, लेकिन आज भी उन्हें नहीं मिल पाई है। यहाँ पे दो तरीके की सुविधाएं हैं, रेल पटरी के उस पार वाले को तो सुविधा कुछ नहीं मिली है। कई सारे जो लोग हैं उनको सोलर प्रोवाइड किया गया, कहीं तो बिजली भी नहीं है। अभी जिस तरीके से मैं अभी पानी की सुविधा के ऊपर बना रहा हूँ, यहाँ पे रोड के इस पार वाले जो है, इस पोर्शन को जब देख रहे हैं, इधर कई जगह पे पानी की सुविधाएं हैं, लेकिन इस तरह इधर देख रहे हैं, इधर पहाड़ी क्षेत्र है तो इधर पानी की सुविधाएं नहीं है। पाइप तो लगा दिया गया है, लेकिन पाइप लगा देने से, ला के रख देने से ऐसा हम नहीं कह सकते कि पानी की सुविधाएं जो है, पानी बहुत जल्द आ जाएगी। पाइप लगा के छोड़ देने से ये नहीं कह सकते कि घर घर में पाइप के द्वारा पानी पहुंचेगी। अब जानने वाली बात होगी, ये तो वक्त बताएगा कि वो जो पाइप लगने के बाद इधर के जो ग्रामीण लोग हैं उनको कब तक पानी पहुंचेगी। फिलहाल तो आज मैं आपको दिखा रहा हूं कि अभी जिस हालात में अभी ग्रामीण अपने पानी की व्यवस्था कर रहे हैं वो दिखाता हूँ। और ये जो मेन रोड है, यहाँ पे कई सारे ट्रक्स चलती है, वो भी उसी जगह से पानी पीते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके का, यहाँ पे देखिए पानी भरने का स्थान है, और देखिए किस तरीके से पानी, यहाँ पे एक नल लगा हुआ है। ग्रामीणों ने, ये देख सकते हैं, यहाँ पे पाइप लगा के अपने पानी के लिए व्यवस्था कर रखे हैं इन लोगों ने, है ना। और इधर देखिए कितने गंदा आ रहा, इसी तरीके से कई उधर प्लेसेस है जहाँ पे जो है पानी, ये देख रहे हैं ये बड़ी सी पाइप लगा हुआ, ये पोल है, पता नहीं बिजली के खंभे की क्या है पता नहीं, और इसी पानी को जो है ग्रामीण पीते हैं। देख सकते हैं पानी आ रही है, और मैं थोड़ा सा ठीक से बैठ जाता हूँ ताकि दिखा सकूँ। यहाँ पे ऐसे कि ये जो पानी है देख रहे हैं, ये पहाड़ी पानी है, ऊपर में पहाड़ है और इस पहाड़ से बहता हुआ पानी है। फिलहाल तो ये इस तरीके से छोटी सी नदी कह लो, और आसपास यहाँ पे बड़ी नदी नहीं है, इसी तरीके की छोटी नदी है। ये पाइप लगा दिया गया है ग्रामीणों द्वारा, और पानी जब बरसात होती है तो सोचो उस समय ग्रामीणों को कितना ज़्यादा परेशानी होती होगी। अभी तो फिलहाल साफ आ रहा है पानी, यही गांव वालों के लिए एक्वा गार्ड, एक्वा पीना, बिस्लेरी सब कुछ है, लेकिन जो गांव के विकास के लिए करोड़ों रुपये आ रहे हैं बोरिंग के लिए, बोरवेल के लिए, लेकिन उसके तहत ग्रामीणों को उतना सुविधा नहीं मिल पा रही है। ये देख रहे हैं पानी जिस तरीके से आप लोग को दिख रही है, ये साफ बहुत दिख रही है, लेकिन इससे उतना नुकसान तो नहीं, इसे पिया जा सकता है। लेकिन इस पानी से भी कुछ कुछ मुझे लगता है, अपना पर्सनल ओपिनियन है, कि इस पानी को पीने से कई सारे बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, जैसे डायरिया हो गया, कई सारे ऐसे पेट के दर्द हो गए, ऐसे कई सारे जो बीमारी उत्पन्न हो सकते हैं। और इसी पानी को पी के यहाँ के ग्रामीण जो है अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। पानी को कईयों सालों से ग्रामीण पीते आ रहे हैं, और ये नियर पोरो कमेली की है जहाँ पे पाइप लगी हुई है। एम गोंडवी जी ने सही कहा था कि आपके फाइलों में तो गांव का रंग गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे और किताबी है। हमारे एक सीनियर पत्रकार बस्तर टाकीज, उन्होंने भी इस मुद्दा को लेकर उठाया था। इस तरीके के कई सारे पंचायत में इस तरीके के समस्याएँ आ रही है, कहीं पे सड़क नहीं है, कहीं पे बिजली नहीं है, और कहीं पे पानी नहीं है।
तो आपको लगता है कि ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब तो जरूर करना। आप लोग को बिजली की बातें, बिजली के बारे में मैं अलग से वीडियो बना के बताऊंगा। फिलहाल ये जो देख रहे हैं इस तरीके का देख सकते हैं, पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखे हैं और ग्रामीण जब बारिश होती है तो इसी तरीके कीचड़ से होते हुए आके यहाँ पर पानी भर के ले जाते हैं। मुझे लगा कि ये जानकारी आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। हालांकि मैं बहुत दिन से इसके बारे में प्लान कर रहा था लेकिन आजकल देख रहा हूँ इस बांसी नामक प्लेस में कई सारी समस्याएं आ रही है, कहीं पे बिजली की समस्या है। जैसे मैंने बिजली के लिए बताया, बिजली के लिए एक पब्लिक ऐप में मैंने एक अलग से न्यूज़ अपलोड की है, उसके बारे में एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। गांव वालों से बात किया मैं, कभी उनसे भी बात हो अभी तो मैं बताऊंगा। गांव वाले बहुत ज़्यादा यहाँ के सरपंच हो गए, उन लोग से भी रिक्वेस्ट किए कह रहे थे लेकिन उन्हें उतना ध्यान नहीं दिया जाता। और मुझे नहीं लगता कि ये जो पानी की सुविधाएँ हैं ये जल्दी तो सॉल्व होना चाहिए। अब इसमें कोई फिल्टर नहीं लगा गया है, पाइप लगी हुई है सिर्फ। इस पानी में और बोरिंग पानी में बहुत सा फर्क है। बोरिंग में तो क्या है, कई सारे फिल्टर हो रखते हैं, उसमें थोड़ा सा बीमारी होने की कम चांस है। इसमें ये ग्रामीणों लोगों के लिए यही बोरवेल है, यही बोरिंग है, यही सब कुछ है, इसी से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं और चल रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रही है घर में रहने वाली महिलाओं को हो रही है, क्योंकि पुरुष जो है सुबह उठ के काम करने चले जाते हैं और ग्रामीण महिलाएं जो होती है वो दूर से चल के आती है और यहाँ पानी भर के ले जाती है। ये जो कीचड़ कीचड़ देख रहे हैं इसमें से कई ज़्यादा भीड़ होने के बाद गिरते भी होंगे और इस तरीके का पानी को पी के वो लोग जीवन निर्वाह कर रहे हैं। इस तरीके से सीढ़ी भी बना देना यहाँ पर चढ़ने के लिए तो ग्रामीणों के लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। सीढ़ी भी रहेगा तो ग्रामीणों लोग के लिए पानी भर के जाने के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये जो रास्ते देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा सकरा है और कीचड़ से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ से भी देख रहे हो पानी जो है झरन निकल रहा है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और किस तरीके से पानी किस किस वजह से पी रहे हो आप लोग को यहाँ पे नज़र आ रही होगी। यहाँ पे पहुँचना बहुत आसान है और पंचायत में बहुत सारी समस्याएं हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि कहाँ कहाँ ऐसे बिजली की समस्या हो गया, सड़क का समस्या हुआ, अन्य समस्याएं होगी बताइएगा जरूर। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ का भी आप लोग के सामने आप लोग के साथ साझा करें। एक बात तो है, ग्रामीण भी कहते हैं और ग्रामीण भी मानते हैं कि वोटिंग के समय उन्हें घर घर पे आके रिक्वेस्ट किया जाता है कि ये बना देंगे, वो बना देंगे, ऐसा है वैसा है, सब मूलभूत सुविधा उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा उन्हें वादा किया जाते हैं। जब वोटिंग समाप्त हो जाती है तो गांव वालों को उसी हालत में छोड़ दिया जाता है और उसी हालत में वो जद्दोजहद करते रहते हैं। दरअसल ऐसे कई वादे हैं जो ग्रामीणों से किया जाता है उसे पूरा नहीं किया जाता। फिलहाल इसके बारे में आपका क्या राय जरूर बताइए और वीडियो अच्छे लगने के बाद शेयर जरूर कीजिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे ग्रुप में, लोकल ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।